हम लोग हिंदी में जहाँ कल चर्चा कर रहे थे उससे और थोड़ी आगे चर्चा आज करते हैं, चर्चा का थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो कल मानव चेतना के बारे में उन्होंने चर्चा की थी और देखता कि मानव चेतना का अर्थ है कि समझ, संबंध और सुविधा, इन तीनों को सही वरीयता से हम अपने जीने में पूरा कर पाए तब हम जाकर मानव चेतना में जी रहे हैं। तो समझ का मतलब है कि स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व की व्यवस्था की हमें समझ हो जाए। संबंध का मतलब मानव मानव संबंध में सही भाव हमारे में सुनिश्चित हो जाए, वैसा ही हम निर्वाह कर पाए। और यदि सुविधा की बात करें तो सुविधा की सीमित निश्चित आवश्यकता को हम पहचान पाए और प्रकृति के साथ पूरक विधि से उसको हम पूरा कर पाए। और इस वरीयता को देखते हैं तो समझ पहली वरीयता दिखती है, संबंध दूसरी वरीयता दिखती है और सुविधा तीसरी वरीयता दिखती है। अगर हम इसको ठीक ठीक ऐसा पूरा कर पाते हैं तो हम मानव चेतना में जी रहे हैं। ऐसा न कर पाने में सामान्यता यह होता है कि सुविधा को हम पहली वरीयता दे देते हैं और सुविधा से ही सुखी होने में लग जाते हैं। सुख की आवश्यकता निरंतर है, सुख निरंतर चाहते हैं। सुविधा जो भी हमारे पास होती है वो सीमित होती है, सामयिक होती है। तो जैसे ही सीमित सामयिक सुविधा से निरंतर सुखी होने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पूरा नहीं पड़ रहा, तो सुविधा की सीमा हमारी बढ़ती जाती है, उसकी आवश्यकता की पहचान हमारी निश्चित नहीं हो पाती और फिर हम सुविधा संग्रह में लग जाते हैं। और ये जो जीने का क्रम बन जाता है इसको जीव चेतना का, क्योंकि सुविधा एक जीव के लिए तो फिर भी पूरा पड़ सकता है, मानव के लिए पूरा नहीं पड़ सकता। तो यहाँ से जो हमारा भी एक जीने का क्रम बन जाता है, विचार का जो क्रम बन जाता है, जो हमारा भाव सुविधा केंद्रित हो जाता है, वहां से शिफ्ट होकर यदि हम इस संपूर्णता में अपने जीने के कार्यक्रम को देख पाए, ऐसा हमारा जीना सुनिश्चित हो पाए, इसे संक्रमण कहा कि जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण हो जाए। और इसमें शिक्षा संस्कार की भूमिका है और यही करने योग्य काम है। सही समझ के साथ जब हम संबंध का निर्वाह करते हैं तो उससे उभय सुख होता है। सही समझ के साथ जब सुविधा की आवश्यकता की पहचान ठीक से करते हैं, प्रकृति के साथ निर्वाह ठीक से करते हैं, उससे उभय समृद्धि होती है, यानी हमारे अंदर भी समृद्धि का भाव होता है और शेष प्रकृति भी संवर्धित होती है, संरक्षित होती है, उसका सदुपयोग ठीक से हो पाता है। और यदि हमने जीने में उभय सुख को सुनिश्चित कर लें, उभय समृद्धि को सुनिश्चित कर लें और ये हरेक के साथ सुनिश्चित कर लें, इससे अधिक और क्या चाहिए। अगर हम देखें तो यही हमारी चाहना है, यही हमारी मूल चाहना है। तो कल हम लोगों ने एक असाइनमेंट लिया था, उस असाइनमेंट का सार ये था कि अभी हम इस बात को देखें कि हम अपने जीने में समझ को यानी राइट अंडरस्टैंडिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दे पा रहे हैं या नहीं, उसको हम वरीयता ठीक से दे पा रहे हैं कि नहीं। तो विचार में तो हमें अपील करता है, क्या जीने में भी हम उसको पहली वरीयता दे पा रहे हैं। अगर पहली वरीयता दे पाएंगे तो फिर हम उसके लिए ठीक से काम कर पाएंगे। ये एक असाइनमेंट के रूप में था और जैसा हम लोग बात करते रहे कि हर दिन आधा घंटा का समय अपने साथ लगाएं और इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, तो बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो शिक्षा संस्कार की जो भूमिका है वो इस संक्रमण को सुनिश्चित करने के क्रम में है कि जहाँ हम भूलवश सिर्फ सुविधा संग्रह, सुविधा के ही उत्पादन, सुविधा के ही संरक्षण के बारे में सोच रहे हैं, उससे शिफ्ट होकर हम इस संपूर्णता के अर्थ में सोचना शुरू करें, संपूर्णता के अर्थ में जीना शुरू करें। और ऐसा कार्यक्रम यदि बचपन से बच्चों के लिए हम बना पाते हैं तो बच्चों का जीने में पूरा संक्रमण दिखाई देगा, एक सभ्यतागत शिफ्ट दिखाई देगा, एक संस्कृति में परिवर्तन दिखाई देगा। अगर हम भारत के इतिहास को ही देखें, आज से 250-300 साल पहले तो हमारे जीने में सुविधा केंद्र में नहीं था, परंतु इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू होने के बाद जैसे सुविधाएं बढ़ी, उसके बाद वेस्ट में पहले ये केंद्र में आया, धीरे धीरे जब हमारे ऊपर पश्चिम से आए लोगों का शासन हुआ तो हमारे देश में भी ये केंद्र में आ गया। अन्यथा न तो हम इतनी सुविधाओं को उत्पादन करते थे, न इनको हमको आवश्यकता महसूस होती थी और जो संग्रह और भोग की प्रवृत्ति थोड़ी कम ही थी, इतनी ज्यादा नहीं थी जैसे अभी बन गई है। तो थोड़ा ध्यान देने की बात है, ध्यान देंगे वापस उसको रिकवर कर लेंगे। कम से कम एक जो संस्कृति है उसमें परिवर्तन तो हो सकता है, हम सबके जीने में बिल्कुल मौलिक रूप से परिवर्तन होने में समय लग सकता है, परंतु एक सोच तो बन सकती है।
अभी भी देखें तो इस शताब्दी में लोगों ने फिर से सुख के बारे में बात करना शुरू किया है। जहाँ पिछले शताब्दी में अगर आप देखें तो युद्ध के बाद ज्यादातर देशों में सुविधाओं का अभाव हो गया था, तो सुविधाओं को लेकर काफी बात हुई ना। भोजन की भी कमी हो गई थी कई देशों में, बहुत ज्यादा हमारे देश में भी थी, तो भोजन की कमी को लेकर बात हो रही थी, कपड़ा मकान सबको लेकर बात हो रही थी, इनकी कमी हो गई है। अभी लोगों ने स्वास्थ्य का बात करना शुरू किया है, ध्यान देना शुरू किया है, सुख पे ध्यान देना शुरू किया है। तो अगर हम थोड़ा सा भी इसको शिक्षा में विधिवत ढंग से ले जाए, और चूंकि हमारे देश की पुरानी संस्कृति भी ऐसी रही है, तो इस पे शिफ्ट लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो शिक्षा संस्कार में ये बात मूल रूप से आ जाए कि शिक्षा संस्कार की मुख्य भूमिका तो ये संक्रमण है। तो अभी हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वो सिर्फ सुविधा केंद्रित हो गई है, जो हमारे जीने के लिए पूरी नहीं पड़ती। तो यदि हम सिर्फ सुविधा के बारे में सोचें तो स्वयं में दरिद्रता का भाव बना रहता है, और चूंकि इसकी सीमा पहचान में नहीं आती तो उससे अधिक का संग्रह करने का, इसके लिए शोषण करने की सोचते हैं। हम मानव का भी शोषण करते हैं, प्रकृति का भी शोषण करते हैं, प्रकृति का भी दोहन करते हैं, और वो एक असहज स्थिति बन जाती है। अभी ये भी बात होने लगी कि जिस तरह से जीने का हमारा क्रम बन गया है, क्या धरती आज से 50 साल बाद जीने योग्य रहेगी, इसको लेकर प्रश्न खड़े हो गए। तो ऐसे में न तो हमें समझ पे ध्यान रहता है, न संबंधों पे ध्यान रहता है, तो हम अपने आप पे दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं। दूसरों के साथ जीते हुए हम संबंधों में दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते रहते हैं, और सुविधा के मामले में अतृप्त रहते हैं, है ना। हमेशा ही समय दरिद्रता का भाव लगा रहता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने आप में हम भ्रमित हैं, डेल्यूडेड सेल्फ है। डेल्यूडेड मतलब भ्रमित है। इस पर हम लोग बात करेंगे कि डेल्यूडेड सेल्फ और अवेकेंड सेल्फ में क्या अंतर है। तो अभी बहुत सारी मान्यताएं बन गई हैं सुविधा को लेकर, संवेदना को लेकर। सुख के स्रोत के रूप में देखें तो ऐसा लगता है कि दूसरे से मिलने वाला भाव या शरीर से मिलने वाली संवेदना ही मुख्य स्रोत है। तो इतने में ही जब कल्पनाशीलता चल रही होती है तो इसको भ्रमित सेल्फ का, डेल्यूडेड सेल्फ का। इससे शिफ्ट होकर यदि संपूर्णता पर ध्यान चला जाए तो उसको ट्रू सेल्फ कहेंगे, जागृत सेल्फ कहेंगे कि नहीं। तो हम सबका जो बेसिक एस्पिरेशन है वो तो यही है कि कंटिन्यूटी हो हैप्पीनेस की, प्रॉस्पेरिटी की, और उसके लिए तीनों को पूरा करने की जरूरत है। स्वयं में सही समझ, संबंध में सही भाव, सीमित सामयिक सुविधा की आवश्यकता की पहचान, और प्रकृति के साथ पूरकता को ध्यान में रखकर उसको पूरा करना, ये ट्रांसफॉर्मेशन डिजायरेबल है कि नहीं, ये हम अपने आप पे देख लें। इससे एक और बात जुड़ी हुई है कि अगर मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने विकास को मापना हो कि 70 साल 80 साल लगाकर, ये हम सबके लिए मैं कह रहा हूँ, हमने कितना विकास किया, तो हम कैसे नापेंगे, कैसे मापेंगे, कैसे तय करेंगे। तो कई बार हमको लगता है कि ठीक है, पहले हमारे पास इतनी सुविधा थी, आज इतनी सुविधा होगी, पहले हम उस पद पे काम कर रहे थे, अब इस पद पे काम करने लगे, पहले हम छोटे से कस्बे में रहते थे, अब बड़े शहर में आ गए, है ना, पहले हम हमारे जीने का रंग ढंग ऐसा था, अब ऐसा हो गया। कई बार हम अपने जब विकास को आंकने जाते हैं तो ऐसे आंकते हैं। इसको हम थोड़ा देख ले, कई बार हमारी कल्पनाशीलता में चीजें बैठी रहती हैं। परंतु यदि सही माने में अपने विकास को आकलन करना हो तो हम ये देखेंगे कि इन तीनों में हम कितने पूरे पड़े। अगर सुविधा की कमी थी तो हमने उसको पूरा कर लिया, अच्छी बात है। संबंध को हम कितना ठीक से निर्वाह कर पा रहे हैं, उभय को हम कितना ठीक से निर्वाह कर पा रहे हैं, उभय सुख को हम कितना ठीक से निर्वाह कर पा रहे हैं, है ना। स्वयं में हम सही समझ को कितना पूरा कर पा रहे हैं। तो मुझे स्वयं में भी अगर विकास को देखना हो तो क्या यही मापदंड होगा, अपने लाइफ में प्रोग्रेस को देखना हो तो क्या यही मापदंड होगा या कोई दूसरा होगा। तो समाज के लिए तो लगता है कि हाँ ठीक बात है, समाज ऐसे बदल जाए, समाज में ऐसा संक्रमण हो जाए, परंतु व्यक्तिगत जीवन में भी क्या हम इसी रूप में विकास को देखते हैं, इसी रूप में अपनी उन्नति को देखते हैं, प्रगति को देखते हैं, क्या लगता है? तो इस पे चैट बॉक्स में आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि क्या व्यक्तिगत जीवन में भी विकास को इसी रूप में देखना ठीक है या सिर्फ सुविधा के अर्थ में देखना ठीक है, क्या लगता है कि समझ, संबंध और सुविधा, इन तीनों में हम कितने पूरे पड़े, इससे हमारा विकास तय होगा, या जो मैंने कुछ उदाहरण लिए उससे हमारा विकास तय होगा। तो एक पर्सनल लेवल पे भी हम देखें ना कि मेरे विकास का मापदंड यही है या कुछ अन्यथा है।
ना, इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसे बहुत सारी परतें खुलेंगी। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे विकास का मापदंड तो इस छोटे से दायरे में ही है ना। पहले किस शहर में रहते थे, अब किस शहर में आ गए, पहले क्या सुविधाएं प्रयोग करते थे, अब क्या सुविधाएं प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इन सब चीजों को देखें तो सही मायने में फिर आगे भी जो हमें विकास करना है और हमें अपने बच्चों का जो विकास करना है उसका भी हम सही मापदंड बना पाएंगे। तो हो सकता है कि हमारी पिछली पीढ़ी गांव में रह रही थी, हम उससे बाहर निकल के शहर में आ गए, ठीक, हमने अपनी अगली पीढ़ी को तैयार किया वो महानगर में या विदेश में चला जाए और हमारा विजन बन जाता है ऐसा। फिर उसके साथ संबंधों की समस्याएं बनी रहती हैं, समझ पे प्रायोरिटी बनती नहीं है और हम वैसा भोग भी रहे होते हैं और हमें समस्या मूलतः कहाँ ये दिखाई भी नहीं देती, ठीक। और हम जो छोटे मोटे इंटरेक्शंस को समस्या माने रहते हैं उसमें ही उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, बट जो पूरा पैराडाइम है हमारे जीने का, जो पूरा मॉडल है, उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते जी। इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है उस पर बात हो सकती है। जी किन्होंने कहा हम सामाजिक प्राणी हैं, ये बात थोड़ा सा जांचना पड़ेगा अपने को। प्राणी तो कहना अपने आप को ठीक नहीं है, हम सामाजिक इकाई है कहना ठीक है, प्राणी कहना ठीक नहीं है। तो हम मानव हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, ये कहना ठीक है। समाज को साथ लेकर विकास को माप सकते हैं, वो तो ठीक है कि मुझ में विकास होगा तो समाज में विकास होगा, ठीक। परंतु ऐसा नहीं कि समाज में विकास की जो प्रचलित अवधारणा है उसके अनुसार हम अपने विकास को आंकने जाएंगे, अगर ऐसा सोचते हैं तो ठीक नहीं है, है ना। क्योंकि समाज तो फिर हो सकता है जो दूसरे से मिलने वाला भाव या शरीर से मिलने वाली संवेदना को सुख मानकर जीने के लिए एक दिशा पकड़ा हुआ है, अगर हम भी उसी में लग गए तो फिर हमारा अपना विकास रुक जाएगा। आज के असाइनमेंट के रूप में यह है कि हम देखें कि व्यक्तिगत जीवन में अभी हमने विकास के मापदंड को किस रूप में प्लेस किया है, हम अपने व्यक्तिगत रूप से विकास को भी इसी रूप में देखते हैं या इसे अन्यथा देखते हैं, इसको मूल्यांकन करना है, इसको लिखना है। तो हमने अभी तक पास्ट में जो प्रयास किया है उसका भी आकलन करें, भविष्य की जो योजनाएं बना रहे हैं उसका भी आकलन करें।